acknowledge me. तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि होगा गो होम एडिशन बिफोर रेसलमेनिया, एंड इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें होगी इसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। तो गाइस, कल का स्मैकडाउन काफ़ी खासू होगा। तो गाइस, इस शो के लिए WWE ने गाइस कंफर्म किया है आंध्र द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, जो कि ट्रेडिशनली हर साल तो रेसलमेनिया में होता है, लेकिन इस साल तो ये रेसलमेनिया नहीं होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर से बात आती है, इसके अंदर बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके अंदर अपने शामिल है अपने करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अपने फिन बैलर। तो गाइस, यहाँ पर से आखिर में मेरे ख्याल से बात आती है विनर की। तो गाइस, मे बी हमें जो है इस बार डेमियन प्रीस्ट या फिर जो गाइस अपने कमांडर अजीज है उनका मुझे चांस लगता है, या फिर जिंदर महल भी एक अच्छी खासी पिक हो सकते हैं। एंड गाइस, शो के ऊपर हमें जो है शार्लेट फ्लेयर एंड रोंडा राउजी की जो राइवलरी है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। एंड जब फाइनल स्मैकडाउन होगा तो ये दोनों ही आएंगी, एंड देखते दोनों आकर क्या कमाल धमाल करती है, एंड फाइनल क्या चीज़ें होती है रेसलमेनिया के मैच से पहले। एंड गाइस, कल के शो के लिए कंफर्म है एक ट्रिपल थ्रेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस, रिकुशे को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी होगी अगेंस्ट लॉस लुथारियोस यानी कि एंजल एंड हुम्बर्टो। एंड गाइस, मे बी हमें इस मैच के अंदर अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो अपने रिकुशे है वो अपनी चैंपियनशिप को हमें रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड गाइस, शो के ऊपर जॉनी नॉक्सविल एंड सैमी ज़ेन की स्टोरी भी कंटिन्यू होगी, एंड मे बी कल जॉनी नॉक्सविल स्मैकडाउन पे आ सकते हैं। एंड गाइस, फाइनली सबसे बड़ी चीज़ होगी, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर गाइस होंगे स्मैकडाउन पर, एंड फाइनल रेसलमेनिया से पहले वो क्या चीज़ें करेंगे। तो गाइस, कुछ चीज़ें हो सकती मैं फिलहाल प्रेडिक्ट करता हूँ। पहली चीज़, एक जो पिछली रॉ थी उसकी तरह सिंपल रोमन रेंस एक अपना अलग प्रोमो कट करेंगे रिंग में, एंड ब्रॉक लेसनर अपना रिंग में अलग प्रोमो कट करेंगे, शायद एक ओपनर में या फिर एंड में होगा, या फिर एक ओपनर में एंड एक मिड के अंदर होगा, या फिर दूसरी चीज़ दोनों आमने सामने आएंगे एंड दोनों आमने सामने एक प्रोमो को कट करेंगे। एंड तीसरी चीज़ है कि फाइनली एक ब्रॉल होगी, या फिर गाइस कुछ जो है मतलब सुप्लेक्सिटी वगैरह में जा सकते, ब्लड लाइन या फिर स्पीयर के दर्शन हो सकते लेसनर को। तो ये कुछ चीजें हो सकती है, एंड देखना अब ये है कि किसको अपर हैंड मिलता है, क्या रोमन रेंस फाइनली अपर हैंड लेते हैं या फिर एक बार ब्रॉक लेसनर को अपर हैंड मिलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज की वीडियो बस इतनी सी थी, वीडियो बस नए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड में मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।